नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जागेश्वर धाम के बारे में और बताएंगे कि क्यों इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और बताएंगे कैसे भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिरा और 12 भागों में विभाजित होकर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा अल्मोड़ा शहर से 35 किलोमीटर पूर्व में स्थित जागेश्वर धाम शिव की भूमि के रूप में विख्यात है। देवदारों के घने जंगलों से घिरे जागेश्वर धाम बेहद निर्मल वातावरण और अधिक ठंड वाला क्षेत्र है। जटागंगा नदी के तट पर स्थित जागेश्वर धाम कुल 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। नागर शैली में बने जागेश्वर धाम का निर्माण 7वीं से 18वीं सदी का माना जाता है। पृथ्वी लोक पर सबसे पहले जागेश्वर के पवित्र पावन स्थान पर शिव के पतित होने के कारण इसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग जागेश्वर को माना जाता है। ये भी माना गया है कि शिवलिंग की पूजा की शुरुआत यहीं से हुई और इसके बाद ही सारे संसार में शिवलिंग को पूजा जाने लगा। स्कंद पुराण मानस खंड के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपने गृह में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त परिवार जनों को निमंत्रण भेजा। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती व दामाद शिव को नहीं बुलाया। बिना बुलाए सती अपने पितृगृह पहुंच गई। वहां अपने पिता व सगे संबंधियों के तिरस्कार से क्षुब्ध हो सती ने यज्ञ का विध्वंस कर उसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया। सती के आत्मदाह से दुखी शिव ने सती की भस्म को अपने शरीर पर लगाकर वैराग्य में यहां वहां भटकना शुरू कर दिया। भूलोक के अनेकों भागों का भ्रमण करते हुए शिव जागेश्वर क्षेत्र में पहुंचे और यहीं तपस्या करने लगे। यहीं के वन में सप्त ऋषि भी रहा करते थे। एक बार जब ऋषियों की पत्नियां वन में कंदमूल जल और लकड़ियां लेने आई तो उन्होंने एक स्थान पर शिव को तपस्या करते देखा। शिव की छवियां देखकर वे सभी स्त्रियां मोहित हो गई और शिव के तेज से वे वहीं पर बेहोश हो गई। रात भर जब ऋषियों की पत्नियां घर नहीं लौटी तो वे सभी उनकी खोज में निकले। उन्होंने देखा कि सभी स्त्रियां शिव के सामने बेहोश पड़ी है। ऋषियों ने बिना कुछ सोचे समझे शिव को श्राप दे दिया कि तुमने हमारी स्त्रियों के साथ गलत किया, अतः तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से विविक्त हो पृथ्वी पर गिर जाए। सत्य ऋषियों के श्राप से लिंग पृथ्वी पर गिरते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और पृथ्वी माता ने भगवान विष्णु से लिंग का भार धारण करने में असमर्थता व्यक्त की। सभी और त्रेही माम की पुकार मच गई। ऐसे में ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषियों ने माता पार्वती का आह्वान कर उस लिंग को धारण करने का आग्रह किया। तभी से सनातन धर्म में लिंग योनि की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ और माता पार्वती जगत जननी कहलाई और भगवान शिव के तेज रूप के कारण ज्योतिरूपी लिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने महादेव की आज्ञा पाकर लिंग को अपने चक्र से विभक्त कर दिया, जिसके 12 टुकड़े पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरे। यही लिंग स्वयंभू लिंग के रूप में भी जाने जाने लगा। जागेश्वर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, जहां आप परिवहन के तीनों साधनों की मदद से पहुंच सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में स्थित है और निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। जागेश्वर सड़क मार्ग से देश के छोटे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अन्य मंदिरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।